इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्योंकि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो कि राज्य को अपने दम पर अच्छे से चला रहा था, जिसने चुनाव भी खुद अपने दम पर जीता था। हमें याद रखना चाहिए कि जब पंजाब के चुनाव हो रहे थे उस वक्त राहुल गांधी की भूमिका पंजाब में नगण्य थी। सबसे ज्यादा कैंपेन खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया था और पूरी कैंपेन स्ट्रैटेजी भी उन्हीं की थी। पंजाब का यह चुनाव उनका जीता हुआ चुनाव है और अगर उस अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को वो छोड़कर ये कहते हैं कि वो अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो अपनी पूरी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि देखिए मेरे साथ पार्टी क्या कर रही है। बिल्कुल, यानी कि अभी भी आपके लिए हमारा रास्ता खुला है। जरा अपडेट ले लेते हैं पुनीत, यहां से कहां गए हैं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह क्योंकि इस्तीफा देने के बाद, और दूसरा 5 बजे का वक्त है जब विधायक दल की बैठक होनी है। बिल्कुल, 5 बजे का वक्त है जब विधायक दल की बैठक होनी है और अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां से इस्तीफा देने के बाद सीधा सिस्मा अपने फार्म हाउस पर गए हैं और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और सांसद परनीत कौर थी और अमृतसर से सांसद गुरजीत ओजला उनके साथ मौजूद थे जब वो इस्तीफा देकर बाहर निकले। उसके अलावा रणिंदर उनके बेटे भी उनके साथ मौजूद थे। तो जाहिर तौर पर जो विक्टिम कार्ड, जैसे कि अजय जी ने भी बताया कि विक्टिम कार्ड उन्होंने खेला है और बड़े मजे हुए पॉलिटिशियंस की तरह उन्होंने ना सिर्फ अपनी बात रखी है बल्कि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी भविष्य की राजनीति क्या होगी वो अभी अपने सहयोगियों और जो उनके पिछले काफी समय से उनके साथ जुड़े रहे उनके साथ बातचीत करेंगे। फिलहाल वो 5 बजे तक कांग्रेस में है, कांग्रेस में थे और 5 बजे सीएलपी की मीटिंग हो गई और कांग्रेस आलाकमान को यह तय करना है कि किसको वो मुख्यमंत्री बनाते हैं। जाहिर तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय सीधा सिस्मा फार्म हाउस पर गए हैं, उसके बाद वहां पर अपने साथियों के साथ सहयोगियों के साथ विचार मंथन करेंगे और उसके बाद ही आगे की रणनीति क्या रहेगी उस पर वो चर्चा करेंगे। अजय, आपके अनुभव से जरा मैं ये जानना चाहूंगा, यहां से कांग्रेस की मुसीबतें शुरू होती हैं या खत्म होती क्योंकि नए सीएम के नाम का शायद ऐलान हो जाए आपसे कुछ देर? ये बड़ी फिसलन वाली सड़क है जिस पर अभी कांग्रेस चलने की कोशिश कर रही है। जैसा कि अभी पुनीत बता रहे थे, सीएलपी की बैठक 5 बजे से शुरू होने वाली है। सीएलपी की बैठक में अगर अमरिंदर सिंह उपस्थित नहीं होते हैं तो साफ संकेत है कि वो अपने फैसले के साथ अपने दुख का इजहार भी कर रहे हैं। सीएलपी की बैठक में जो भी फैसला होता है, जाहिर सी बात है, सभी विधायकों की मर्जी से होगा। हम जानते हैं कि 40 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने रिजर्वेशन सामने रखे थे और कहा था कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में अब यकीन नहीं रखते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तो यही बन रही कि कांग्रेस एक दूसरे चेहरे की तलाश में होगी, लेकिन अब चेहरा तलाशना इतना आसान नहीं होगा। आपको कई सारे फैक्टर्स को बैलेंस करना पड़ेगा, इसके साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बड़ी छवि को भी भरना पड़ेगा। नवजोत सिद्धू को लेकर तरह तरह की बातें जरूर हैं, लेकिन नवजोत सिद्धू को चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी सौंपी जाए ऐसी संभावनाएं बहुत कम दिखाई देती हैं। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और पार्टी पर पूरे कमांड को लेकर कई तरह के सवाल या निशान हैं। तो जिस व्यक्ति को भी अब मुख्यमंत्री बनाया जाएगा वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है और हमने अभी तक अपने राजनीतिक इतिहास में यही देखा है। स्टॉप गैप अरेंजमेंट जब आप पॉलिटिक्स में करते हैं, खास करके मुख्यमंत्री के स्तर पर, तो आमतौर पर आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। यही वजह थी कि उत्तराखंड में भी स्टॉप गैप अरेंजमेंट को देखते हुए जब यह कहा गया था कि तीसरी बार वहां मुख्यमंत्री को बदला जा रहा है तो वहां पर भी लोग इस तरह का संशय उठा रहे थे। यह बात अलग है कि पूरी पार्टी का समर्थन वहां हासिल है, लेकिन उसके ठीक विपरीत अगर पंजाब में देखें तो पंजाब में स्थिति यह है कि पार्टी खुद टूटती हुई दिखाई दे रही। आज भी 13 विधायकों का समर्थन पूरे तरीके से खुलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है, 40 विधायक उनके खिलाफ खड़े हैं, पार्टी टूटती हुई दिखाई दे रही है। अगर ऐसा हो जाता है जो कि हमने पहले देखा है शरद पवार, तारिक अनवर, इस तरह के तमाम नेताओं के साथ, तो फिर स्थिति कांग्रेस के लिए पंजाब में बहुत अच्छी नहीं होगी पंकज। बिल्कुल, और अजय जी आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, देखिए जो एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किए हैं, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को बनाया, मुंबई को बनाया गया, कर्नाटक में, और अभी हमने गुजरात में देखा किस तरह से सीएम बदल दिए गए, तो ये कॉपी कैट एक तरह से कांग्रेस भी वही करने जा रही है। ये एक्सपेरिमेंट कहीं उल्टा ना पड़ जाए? इसमें कोई शक नहीं है कि अगर गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के जो पॉलिटिकल चेंज के एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट को देखकर अगर इस तरह की बात कांग्रेस सोच रही है तो दोनों पार्टी के स्ट्रक्चर में आज जमीन आसमान का फर्क है और ऐसा कर पाना अपने आप में उचित नहीं होगा और शायद कांग्रेस इस बात को समझेगी। बिल्कुल, विजय लक्ष्मी हमारी एक और वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय लक्ष्मी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे कि पुनीत परिंजा बता रहे सीधे सिस्मा फार्म हाउस चले गए हैं, 5 बजे का वक्त है यानी 5 अब बज चुके हैं और विधायक दल की बैठक शुरू होनी है, वो नाराजगी जो है उसको लेकर गए हैं सिस्मा फार्म हाउस। विजय लक्ष्मी से हम जुड़ने की कोशिश लग रहा है कि जहां विजय लक्ष्मी है वहां पर काफी ज्यादा एक्शन हो रहा है, तो जाहिर से बात है आज ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का दिन है। लेकिन अगर आप इस आज के पूरे घटनाक्रम को देखें तो स्पष्ट हो जाता है पंकज कि किस तरह से कांग्रेस इस पूरे आपाधापी को संभाल सकती थी, लेकिन चीजों को बस अचानक क्रिस्टलाइज कर दिया गया।
अगर आप देखें तो पंजाब के प्रभारी उत्तराखंड में अपने चुनाव प्रचार में खुद ही लगे हुए थे, क्योंकि वो खुद ही हरीश रावत लगातार रावत साहब लगातार वहां पर अपनी तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि वो अचानक अपने कैंपेन को छोड़ते हैं और पंजाब का रुख करते हैं। पंजाब में स्थिति लगातार बदलती हुई दिखाई देती है और उसके आधार पर भी लगातार अपडेट्स हो रहे होते हैं। केंद्र यानी कि सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस की तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आता और नवजोत सिद्धू और सुनील जाखड़ की जो झप्पियां लेती हुई तस्वीर है वो पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही होती हैं। यानी कि ऐसा संकेत साफ दिया जा रहा है कि भाई ये एक खेमा है जो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, एक खेमा है जो हारता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा इसको आप कॉन्ट्रास्ट कीजिए कर्नाटक में। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने जो सत्ता परिवर्तन किया, बहुत ही बड़े और मजे हुए नेता येदियुरप्पा, उनको अगर किनारे भी किया जा रहा है तो बहुत ही शालीनता के साथ वो खुद ही अपना इस्तीफा पेश करते हैं। जी जरा विजय लक्ष्मी हमारे से जुड़ गए, वहां क्या हलचल है जरा वो जान लेते हैं। विजय लक्ष्मी, जो विधायक दल की बैठक 5 बजे शुरू होनी थी, क्या अपडेट, क्या जानकारी? विजय लक्ष्मी मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे। अजय जी, जो आज आवास पर आए थे अमरिंदर सिंह के कुछ विधायक थे, कुछ कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने कहीं ना कहीं नाराजगी मोल ली है आलाकमान की, क्योंकि आलाकमान की तरफ से डायरेक्शन थे कि आप सरकारी आवास पर अमरिंदर सिंह के ना जाए, सीधे विधायक दल की बैठक में पहुंचे, उनका क्या होगा? देखिए आमतौर पर जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो उस वक्त केंद्रीय नेतृत्व और मौजूदा जो राज्य का नेतृत्व है वो तय करता है कि किन लोगों को टिकट दिया जाए, और ऐसे में जो बहुत ज़्यादा नज़दीकी हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के, उनके टिकट मिलने की संभावनाएं अपने आप में बहुत क्षीण हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। इन परिस्थितियों में अगर जो विधायक हैं जो अपनी बातों को खुलकर सामने रख रहे हैं, शायद वे इस बात का जोखिम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह मझे हुए खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होने जा रहा है। और उसके साथ साथ हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, ये तीसरा चौथा मौका है जब पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन की बात निकल कर आ रही है। बीते 2 साल में ये बहुत बड़ी बात है कि आप बार बार इस तरह की बातें करते हैं। अजय जी, ट्वीट किया एक अपना पिक्चर उन्होंने, अमरिंदर सिंह ने बनवारीलाल पुरोहित जो गवर्नर है उनको अपना इस्तीफा सौंपा, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर हमने जब आपको दिखाई थी वही तस्वीर को अब ट्वीट किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, यानी अपने फार्म हाउस जा रहे हैं सिसवा, जैसा कि पुनीत परिंजा बता रहे थे, लेकिन ये तस्वीर जो है गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित को अपना इस्तीफा सौंपते हुए ये तस्वीर अमरिंदर सिंह ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट की है। अजय जी, जो बात लगातार उठ रही है, क्या ऐसे में कांग्रेस टूट भी सकती है, क्योंकि एक समर्थन अच्छे खासे विधायकों का, सांसदों का, और हमने कुछ कैबिनेट मंत्री भी देखे थे जो सरकारी आवास पर पहुंचे थे, क्या उस तरह की प्रोबेबिलिटी भी बन सकती है? बिल्कुल पंकज, अभी एक खबर आ रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर अभी मेरे पास पहुंची है, शायद पंजाब की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। अगर पंजाब के पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया तो मुझे लगता है कि गुजरात में जो हुआ कुछ उसी तरीके से कांग्रेस में भी पंजाब में करने की कोशिश की जा रही। ये एक्सपेरिमेंट कांग्रेस के लिए कितना सफल होगा यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि कांग्रेस में दरअसल पार्टी डिसिप्लिन उस आधार पर या उस स्तर पर नहीं देखा गया है अभी तक हाल फिलहाल के दिनों में, जो आप लगातार भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं। तो अगर ये खबर सही निकलती है जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पूरी की पूरी पंजाब के कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया, अगर ये बात सही निकलती है तो फिर एक अलग तस्वीर निकल कर आएगी, एक अलग तरह की राजनीति निकल कर आएगी। पंकज, जरा विजय लक्ष्मी का रुख करते हैं। विजय लक्ष्मी, क्या ताजा अपडेट, क्या खबर आपके पास? देखिए, जो बात अजय कह रहे हैं वो जरूर देखने वाली बात होगी कि क्या कैबिनेट के बाकी सदस्यों ने भी इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। बहरहाल पंकज, आज की गतिविधि का दिन जो है या आज का एपिसेंटर ऑफ पॉलिटिक्स ये जगह है, ये कांग्रेस पार्टी का प्रदेश कार्यालय है पंजाब का चंडीगढ़ में, और 5 बजे बजते यहाँ पर तमाम जो MLAs हैं कांग्रेस पार्टी के वो पहुँचने शुरू हो गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बैठक बुलाई थी उसमें 13 के करीब MLAs जो पहुँचे, उसमें 7 मिनिस्टर थे और बाकी 6 MLAs थे और 3 सांसद जो हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पहुँचे। ये तस्वीर जो उनके घर पर हमने देखी थोड़ी देर पहले, ये भी बताती है कि राजनीति में चीजें बदलते देर नहीं लगती। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी साफ कर दिया है कि फ्यूचर की राजनीति अपने समर्थकों से बैठ करके बातचीत कर करके तय करूंगा। तो यानी अब कैप्टन अमरिंदर सिंह साफ कर रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, फ्यूचर की पॉलिटिक्स करेंगे, अपने समर्थकों से बात करेंगे, अभी फिलहाल कांग्रेस में हूं, यह बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही।
बहरहाल विधायक दल की बैठक यहाँ पर शुरू हो गई है और जो जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को बताया कि सुनील जाखड़ का नाम जो कि 3 बार के MLA हैं, 1 बार के सांसद हैं लेकिन अभी मौजूदा विधायक नहीं है पंजाब से, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है पंजाब के अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में। इसी CLP की बैठक से एक नाम छन करके निकल करके आएगा जिसमें तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं अपनी मोहर लगाएंगे और फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी उस विधायक को अपना जो आगे आने वाला जो टेन्योर बचा है उसके लिए चीफ मिनिस्टर घोषित करेगी। देखना होगा कि सुनील जाखड़ ही होंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी बैलेंसिंग एक्ट करना चाहती है। जट सिख हैं नवजोत सिंह सिद्धू, हिंदू अगर कम्युनिटी की बात करें, दलितों की बात करें, 30% का रिप्रेजेंटेशन दलितों का है पंजाब में पॉपुलेशन में। इसके अलावा हिंदू समाज को साधना चाहती है चुनाव में जाने से पहले, इसलिए जो है सुनील जाखड़ को जो है वो कांग्रेस पार्टी यहां से बना सकती है, इस तरह की चर्चाएं चल रही है। बहरहाल ऐसा होता है नहीं होता है CLP की बैठक के बाद पिक्चर और साफ होगी। बिल्कुल अजय जी, जरा हम नवजोत सिंह सिद्धू का जिक्र कर लें आपके साथ। नवजोत सिंह सिद्धू स्टार कैंपेनर होते हैं जब बीजेपी में थे और कांग्रेस में भी उनका वही हाल, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उनको उस तरीके से नहीं आता जितने मझे हुए जो एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो ऐसे में क्या PCC प्रेसिडेंट बन गए बस वो खुश हैं उसमें, या उनकी नजर भी कहीं ना कहीं CM की कुर्सी पर है? उनकी नज़र CM की कुर्सी पर होगी, इसमें तो कहीं कोई दुराय हो ही नहीं सकती, लेकिन अभी नवजोत सिंह सिद्धू के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वहाँ पर हैं। इसके साथ उनके पास कई तरह की एक तरह से सहूलियत सामने आ जाती है, वो कौन कौन से उम्मीदवार होंगे इसका निर्धारण कर सकते हैं, पार्टी की रणनीति क्या होगी इसका निर्धारण कर सकते हैं, चुनाव की रणनीति कैसे होगी, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, चुनाव के पूरी प्रक्रिया पर उनका काफ़ी बड़ा अधिकार हो सकता है, उसके साथ साथ छाप हो सकती है, और अगर वो चुनाव जीत जाते हैं जिसकी उम्मीद उन्हें बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में फिर मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने का उनका सपना पूरा हो सकता है। लेकिन ये सब तब हम बात कर रहे हैं जब हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के पूरी पार्टी के भीतर एकजुटता है, पूरी पार्टी मिलकर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़ी हो और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ना खड़ी हो। ऐसी स्थिति कम से कम फिलहाल दिखाई नहीं देती क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपना एक डेडिकेटेड वोट बैंक और वोट बेस है, उनके साथ बहुत सारे विधायक हैं जो लगातार उनका समर्थन सामने रखते रहे। हमने कई मौकों पर देखा है कि 20, 40, 50 विधायक उनके साथ जुटे रहे। आज भी जब आज दिन में जब ये कहा गया था कि कोई भी विधायक CLP की बैठक के अलावा किसी और बैठक में हिस्सा नहीं लेगा तो उस वक्त भी 13 से ज्यादा विधायक उनके घर पर पहुंचे थे। ये आज की बात हम बता रहे हैं जब ये स्पष्ट हो चुका था कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने पद से इस्तीफा दें। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि कांग्रेस में अभी उहापोह की स्थिति होगी और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स क्या इतनी शार्प होगी कि वो पूरे कांग्रेस को एकजुट करके रख सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से निकल कर आए हैं नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस के कल्चर में उनके एब्जॉर्प्शन को लेकर भी कई तरह के सवाल होंगे और इन सवालों का जवाब इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू खुद भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय नेता नहीं रहे, वो मंच पर बोलते बहुत अच्छा है, वक्ता बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या वो मझे नेता हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा वो नहीं कर पाए थे, क्या वो कांग्रेस के लिए कर पाएंगे? ये कई ऐसे सवाल हैं। KK शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सौरभ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। KK शर्मा जी, जो स्थिति अभी पंजाब में है ये तो बहुत ही विकट स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए है, लेकिन ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पूरे के पूरे मंत्रिमंडल ने भी इस्तीफा दे दिया है। आपने गुजरात से एक ऐसा एक्सपेरिमेंट शुरू किया कि लगता है कि कांग्रेस भी उसके पीछे चल निकली। देखिए अजय जी, वैसे तो ये कांग्रेस का आंतरिक कलह है, आंतरिक मामला है, इसको आप आंतरिक कलह भी कहें तो कोई गलत नहीं होगा। और जहां तक आप गुजरात की बात आप कर रहे हैं और पंजाब की स्थिति की बात कर रहे हैं तो मैं एक बात आपको कहूं कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। नकल यदि आप कर रहे हैं तो अकल यूज करना पड़ता है, फिर भी कांग्रेस को भी ये सीखना पड़ेगा। गुजरात और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ जो कुछ भी है वो जिस तरह से निर्णय गुजरात में हुए आपने देखा, एक सुई की भी आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ी होगी वहां। और दूसरी तरफ ये परिवर्तन जिसमें अभी मैं जाखड़ साहब की बात कहूँ तो सुबह से वो ट्वीट कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ा फैसला लिया, और अभी अच्छी बात है कड़ा फैसला लिया, अपनी विश्वसनीयता को बचाने के लिए आज
यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन विश्वसनीयता उनकी कितनी है और कितनी उनकी बात लोग मान रहे हैं, ये बात यहाँ पर अभी जो आप कलह देख रहे हैं इससे स्पष्ट है। तो मैं हम बहुत कुछ नहीं करना चाहेंगे, हम तो पंजाब की स्थिति को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, गंभीरता से भी देख रहे हैं, क्योंकि हम एक वहां पर विपक्षी दल हैं, तो हम निश्चित तौर से बहुत गंभीरता से। शर्मा जी ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि कांग्रेस की स्थिति जरा उहापो वाली हो जाती है तो क्या आपका रास्ता थोड़ा आसान होगा? क्योंकि अगर कांग्रेस बहुत मजबूत रहती, अकाली दल वहां पहले से ही बहुत स्ट्रांग है, आपका बहुत बड़ा वोट बैंक और वोट बेस वहां पर राज्य के स्तर पर रहा नहीं, अगर कांग्रेस कमजोर होती है इसका फायदा आपको होगा? बिल्कुल, जब इस तरह की वहां कभी किसी राज्य में ऐसी उहापोह की स्थिति होती है अजय जी, तो जनता जो है विकल्प तलाशती है और विकल्प में ये भी देखती है कि किसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है देश भर में या किस राजनीतिक दल का ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का है जिसमें उनकी विश्वास बैठते हैं। तो निश्चित तौर से हम अभी तक पंजाब में अकाली दल के साथ वहां पर चुनाव लड़ते रहे हैं, अकेला चुनाव हम वहां नहीं लड़े जी, लेकिन ये हमारे लिए अवसर है कि हम वहां अकेले इस बार जो है चुनाव में जा रहे हैं और निरंतर हम उन्होंने वहां पर अपना संगठनात्मक प्रयास किया है और अकाली दल के साथ जिस तरह का हमारा वहां समझौता रहा लंबे समय से रहा है, तो उसमें एक हमेशा एक सम्मान का भाव बना रहा, इसलिए कभी वहां पर ऐसे सीटों को लेकर बहुत ज्यादा विवाद नहीं रहे हमारे। लेकिन अब जब हमको अकेले, जैसे आपने, मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूं, महाराष्ट्र में भी एक परिस्थिति आई थी, ऐसी परिस्थिति आई, बहुत लंबा गठबंधन हमारा था महाराष्ट्र के अंदर में, और फिर वो महाराष्ट्र में जब हम अकेले लड़े तो फिर एक नया, हम आपने देखा हम किस तरह से उभर कर आए वहां, और आज यदि आप उस परिस्थिति का पुनः आकलन करें तो आज महाराष्ट्र में सबको पता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे। चलिए तो चुनाव में देखा जाएगा शर्मा साहब। तो अजय जी एक बार, लेकिन हमको जहां पर पंजाब के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान, जी अच्छा ठीक है कंप्लीट कीजिए, एक बात कहकर समाप्त करूं, जो बात आपने कही कि क्या हमको पंजाब में इसका लाभ होगा, निश्चित तौर से होगा, मैं आपको ये कह सकता हूं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी वहां क्षमता को और बढ़ाएं। चल ठीक है, एक बार जरा हम विजय लक्ष्मी का रुख करते हैं, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के विधायक दल की बैठक जारी है और वहीं से नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। तो विजय लक्ष्मी, सबसे पहले तो ये बताइए कि हम उम्मीद करें कि ये नाम हमें आज ही पता चल जाएगा? बिल्कुल सौरभ, उम्मीद तो इस तरह की जानी चाहिए कि आज ही ये नाम पता चल जाए, क्योंकि कयासों के बाजार में भी सिर्फ एक ही नाम है जिसकी चर्चा हो रही है, और विधायक और जो दिल्ली से पर्यवेक्षक आए हैं वो आला कमान का मैंडेट ऑलरेडी लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी फीडबैक जो है विधायक दल में एक प्रोसेस जो है, एक प्रक्रिया जो है उसको पूरी तरह से पूरा किया जाएगा। सुनील जाखड़ का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है, 3 टाइम MLA रहे अबोहर कॉन्स्टिट्यूंसी से, इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे यहाँ पर, जिस तरह से हम पहले भी अपने दर्शकों को बताते आए कि एक कास्ट कॉम्बिनेशन का बैलेंसिंग एक्ट कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। जट सिंह उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, नवजोत सिंह सिद्धू तो हिंदू समाज को मुख्यमंत्री बना करके एक हिंदू चेहरे को एक मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाहती है, और शायद यही वजह है कि सुनील जाखड़ का नाम, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका नाम इस रेस में सबसे तेज दौड़ रहा है। उम्मीद यही है कि आज की इस बैठक के बाद, CLP की जो बैठक है, इसी में नेता का चयन जो है वो कर लिया जाएगा, अगले मुख्यमंत्री का चयन जो है कर लिया जाएगा और अनाउंसमेंट भी यहीं कर दी जाएगी। लक्ष्मी, लेकिन एक बेसिक सा सवाल है, पंजाब में आमतौर पर हिंदू मुख्यमंत्री के तौर पर अगर देखा जाए तो शायद एक्सेप्टेबिलिटी उतनी ज्यादा वहां की राजनीति में होती नहीं है, और हमने ये देखा है कई बार, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदाज में जो एक जबरदस्त भूचाल वाला चेंज करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, क्या ये वाकई में सफल हो सकता है? क्योंकि ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत बार काउंटर बैलेंस हो जाता है। लक्ष्मी, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? के शर्मा जी, जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा। सौरभ, अपना सवाल दोहराएं। जी लक्ष्मी, सवाल ये है कि पंजाब में, सौरभ देखिए, ये प्रेस रिलीज जो है ये आई है,
जी, प्रेस रिलीज जो आई है कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे से, इसमें जानकारी दी गई है कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये एक जानकारी है जिसमें कहा गया है, ह्यूमिलेटेड कैप्टन अमरिंदर रिजाइन्स एज पंजाब चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ उन्होंने अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंपा है। यानी पूरी नई कैबिनेट बनेगी नए मुख्यमंत्री के साथ, आने वाले चंद महीनों में ही चुनाव है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये कितनी उनको फ्रूटफुल क्या इसके नतीजे होंगे ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन जानकार मानते हैं कि इसका नुकसान भी कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है कि चुनावों से चंद महीने पहले एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इस तरह से हटाना, जहां पर सिटिंग चीफ मिनिस्टर खुद कहे कि वो ह्यूमिलेटेड फील कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज कांग्रेस पार्टी पर पॉलिटिकली भारी पड़ सकती है। इस तरह के भी बातें जो है लोग जरूर कहते हैं यहां पर। देखिए, सीधा सीधा सवाल है जो विजय लक्ष्मी ने कहा, मेरी याददाश्त में तो नहीं कि कोई मुख्यमंत्री और वो भी इस कद का मुख्यमंत्री वो आकर के कहे कि मैंने अपमानित महसूस किया, ह्यूमिलेटेड महसूस किया जिस तरीके से मेरी पार्टी फैसले कर रही थी। क्या कांग्रेस पार्टी टूटेगी? एक सवाल। अगर आप सीधे तौर पर मुझसे पूछे तो अभी तक जो कांग्रेस पार्टी के साथ जो तजुर्बा रहा है, इस तरह के जब भी ड्रास्टिक एक्शन कांग्रेस पार्टी में लिए हैं तो कांग्रेस पार्टी में टूट हुई है। हम इसके कई तरह के एग्जांपल्स दे सकते हैं, शरद पवार इसके एक एग्जांपल हैं, उसके साथ साथ अभी हम बात कर रहे थे तारिक अनवर, उनकी बात कर सकते हैं, संगमा साहब, उन्होंने भी पार्टी इसी तरीके से छोड़ी थी। कई तरह के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कांग्रेस में पहले भी किए जा चुके हैं और जब भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए तब कांग्रेस में टूट हुई है। और पंजाब में अगर आज कांग्रेस टूट जाती है, जिसके आसार बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राज्य के स्तर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पकड़ को कोई नकार नहीं सकता, कांग्रेस भी नहीं नकार पा रही थी। यही वजह थी कि कांग्रेस लगातार एक बैलेंसिंग एक्ट पर थी। जो यूथ ब्रिगेड है कांग्रेस का, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं, उस यूथ ब्रिगेड को लगता था कि एक नया चेहरा सामने होना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी उम्रदराज हो चुके हैं, उनके काम करने की शैली एक अलग है, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि जो भी वायदे किए गए थे चुनाव के दौरान कि उस वक्त की बादल सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनमें से किसी वायदे को पूरा नहीं किया जा रहा था। और बादल की पूरी फैमिली और अमरिंदर सिंह की फैमिली के बीच में बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, इसका हवाला देकर कहा जा रहा था कि आपने सही समय पर कार्रवाई नहीं की। यह सब कुछ कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ यूथ ब्रिगेड कह रहा था। लेकिन सेंट्रल कमांड को इस बात की बहुत अच्छे से समझ थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज भी न सिर्फ पंजाब में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, बल्कि पंजाब में वो कांग्रेस की नाव डुबोने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और शायद यही वजह है कि बीते दो सालों से हम इस तरह की वापो की स्थिति देख रहे थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने आप को अलग करते हैं पार्टी से, जिसकी संभावनाएं काफी ज्यादा हैं, तो पार्टी में टूट तय है। देखिए, उन्होंने जब सवाल हुआ उनसे, हमारे साथ सिरसा साहब भी हैं, स्वागत है सिरसा साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। अमरिंदर सिंह जी से सीधा सवाल पूछा गया था कि अगर जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा, क्या आप उसका साथ देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे? उन्होंने कहा मैं देखूंगा, मैं अपने सलाहकारों से बात करूंगा। तो उन्होंने ये जरूर कहा मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के फैसलों से उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर लिया। सिरसा साहब, आपसे हम समझना चाहते हैं, अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री के अलावा एक बड़ा पिलर है राजनीति का पंजाब के अंदर, उनके ये कहने से कि मेरी पार्टी ने मेरा अपमान किया और मुख्यमंत्री पद त्याग देना, इसका आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ने जा रहा है? देखिए, इसके डेफिनेटली पंजाब की राजनीति में नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि देश के अंदर भी इसका असर दिखेगा। एक तो सबसे बड़ी बात, अगर अजय जी आप इस बात को समझ रहे हों जी, ये सब कुछ राहुल गांधी ने पहले तो अपना कद बढ़ाने के लिए किया है। आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हुई कि नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि एक मोरे की तरह कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, एक अनगाइडेड मिसाइल है, और उसको इस्तेमाल करके कैप्टन अमरिंदर सिंह को उस दूसरे मोरे को गिरा दिया। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को देखना, मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, आज भी नहीं बनाएंगे, जैसे कि आपने खुद अभी नाम लिया कि सुनील जाखड़ का नाम आना शुरू हो गया। तो एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि कांग्रेस ने एक नेता के खिलाफ दूसरे नेता को एक मोरे के रूप में खड़ा करके सारे पंजाब का नुकसान किया है। 4.5 साल तक एक ऐसे मुख्यमंत्री को बना के रखा जो लथार्ज थे, जो अपने फार्म हाउस से निकलते नहीं थे, जिन्होंने झूठे वादे किए, और वो वादों के अंदर
कांग्रेस हाईकमांड साथ बैठी थी, चाहे चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हों, पी चिदम्बरम हों, सब लोग वहां जाके वादे करके आए थे। अब जब देखा कि वादे पूरे नहीं हुए, लोग गांव में घुसने नहीं देते, तो अब राहुल गांधी ने कहा ये दो मौके हैं, दो काम हो जाएंगे, एक तो देश में मैं संदेश दे पाऊंगा और कांग्रेस में भी मैं जिसको चाहूँ हटा सकता हूँ, और दूसरा जो हमारी नेगेटिविटी है वो इसके गड़े डालकर इनको हटा देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद माना है, एक फॉर्मर आर्मी मैन भी हैं, एक सिख भी है जी, और उन्होंने तो ये खुद माना कि मेरे को बार बार इज्जत किया जा रहा है। क्या इस इस्तीफे के बाद अब आपको सहानुभूति हो रही है कैप्टन साहब से, और ये सहानुभूति कहीं जुड़ाव में तो नहीं तब्दील हो जाएगी? पंजाब के लोगों से है, नहीं मुझे पंजाब के लोगों से है सहमति, मेरी जो है वो सहानुभूति पंजाब के लोगों से है, पंजाब के लोगों के साथ धोखा हुआ है, ये हार पंजाब के लोगों की हुई है, क्योंकि पंजाब के अंदर ये लड़ाई कले जो है 4.5 साल तक, पहले आपने एक लथार्ज, मैंने पहले वर्ड किया मेरी सहमति ने लथार्ज, मैं क्षमा चाहता हूं सिरसा साहब आपको रोकना पड़ रहा है, क्षमा चाहता हूं, आज बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है। सीधे चलते हैं लक्ष्मी के पास, लक्ष्मी कुछ ताजा हलचल कांग्रेस ऑफिस में? देखिए अभी ताज़ा हलचल की बातचीत जहां तक है अजय जी, सब लोग जो हैं अंदर आ गए हैं, ज़्यादातर विधायक जो हैं वो पहुंच गए हैं अंदर कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है चंडीगढ़ में, लेकिन बैठक अभी शुरू नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है शायद कुछ और लोगों का इंतज़ार जो है वो किया जा रहा है। 5 बजे का समय था और तमाम जो विधायक दल है, जो कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक हैं, उनको इस बैठक के लिए बुलाया गया था, और इसमें जो है तमाम जो विधायक हैं वो एक अपना नेता चयन करेंगे, और वो नेता ही जो है वो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री यहां पर होगा। तमाम तरह की चर्चाएं हैं, सुनील जाखड़ का नाम जो है वो रेस में सबसे आगे है, लेकिन इस बैठक में क्या होगा, दो पर्यवेक्षक जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से यहां ऑलरेडी पहुंच गए हैं, अजय माकन और हरीश चौधरी, इसके अलावा जो राज्य के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के हरीश रावत, वो भी बैठक में शामिल हैं। तो पूरी बैठक के बाद जो है वो एक नाम जो है वो तय किया जाएगा, एक नाम का चयन विधायक दल द्वारा किया जाएगा, और जिस नाम का चयन होगा फिर उस नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि आज ही जो है ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो पर्यवेक्षक हैं, जो सेंट्रल ऑब्जर्वर्स हैं, वो यहाँ पर हैं और इस मीटिंग में हैं। तो अभी का घटनाक्रम जो है वो यही है। और जहाँ तक रही बात कैप्टन अमरिंदर सिंह की, तो कितना नुकसान वो कांग्रेस पार्टी को पहुँचा सकते हैं, क्योंकि सिंपति तो ज़रूर उन्होंने जनरेट की है। आज भी जब वो बाहर आकर बोले कि मुझे ह्यूमिलिएट किया गया, जिस तरीके से 2 महीने में 3 बार एक एक्सरसाइज की गई, वो मेरे लिए ह्यूमिलिएटिंग थी। हालांकि आज भी उन्होंने अपना डेकोरम जो है वो बहुत ज्यादा तीखे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि मुझे ह्यूमिलेटेड फील किया। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, जिस नुकसान और फायदे की आप बात कर रहे हैं उसी बारे में मैं जरा के शर्मा जी के पास आना चाहूंगा, बैठकर के फ्यूचर की। जी के शर्मा जी, देखिए राजनीति में सब कुछ संभव है। आज ही आपके जो बाबुल सुप्रियो है टीएमसी में चले गए, अभी आज मीडिया ने सवाल पूछा था अमरिंदर सिंह से कि क्या आप बीजेपी में जा सकते हैं, तो क्या इनविटेशन आपका खुला रहेगा, क्योंकि आपकी पार्टी को एक अलग तरीके की वहां पर शक्ति मिलेगी अगर अमरिंदर सिंह को आपकी तरफ से इनविटेशन जाता है, अगर वो कांग्रेस छोड़ते हैं? देखिए पंकज जी, ये आज के डेट पे कुछ कहना ये उचित नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि अमरिंदर सिंह अभी स्वयं अपने बयान में कह चुके हैं कि वो अभी कांग्रेस में हैं, आगे को क्या करेंगे ये उनको निर्णय लेना है। तो ये तो भविष्य की इस तरह की चर्चाएं हैं, मैं इस पे अपना कोई कमेंट्स नहीं देना चाहूंगा। तो शर्मा जी इस पे, लेकिन आपको परहेज तो नहीं होगा ना, क्योंकि हमने बंगाल में भी देखा ऐसा अभी ये निर्णय तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे नेता हैं जो पूरे पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, ये उनका निर्णय होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर कोई कयास लगाना उचित नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए इससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि ये जो पिछले 4-5 महीने से जो अजय जी आप एक अंतर कलह पंजाब के अंदर कांग्रेस में देख रहे हैं जी, इस अंतर कलह में केवल पंजाब के नेता शामिल नहीं है, मूल रूप से इसमें केंद्रीय जो इनके नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इसकी एक पार्टी बने हुए हैं और उनके इशारे में ये अंतर कलह हो रहा है। और ये अंतर कलह ये दर्शाता है, यदि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपने 20-22 साल के अनुभव के कह सकूं तो मैं इतना कह सकता हूं आपको कि जब नेतृत्व जो है कमजोर हो जाता है और नेतृत्व की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है और अनुभवहीनता साथ चलती है, तो ऐसी परिस्थितियां जो है राज्यों में पैदा होती है। शर्मा जी, लेकिन देखिए कुछ टीकाकार तो ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी बीते 1.5 साल में 6 मुख्यमंत्री 5 मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा बदल दिए,
तो ये तो पार्टियों का अपना अपना तय होता है ना। अब किसी को सपने में अंदाज था कि गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे, क्या आपको ये समझ रहा था कि उत्तराखंड में दो मुख्यमंत्री 3 से 6 महीने के अंतराल में बदल दिए जाएंगे? मैं अजय जी इस पर आपको, क्या असम में मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे, खास करके तब जबकि उनके नेतृत्व में चुनाव जीता पार्टी ने? ये तो कई तरह की बातें हैं। नहीं नहीं अजय जी, मैं इसमें दो बात कहता हूँ जी। हमेशा देखिए, जब रूपाणी साहब ने इस्तीफा दिया तो आप उनके बयानों को सुनिए, बहुत स्पष्टता के साथ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है, ये समय समय पर किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देनी है, इस जिम्मेदारी को पार्टी का नेतृत्व तय करता है। लेकिन इस पंजाब की घटना और गुजरात की घटना में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, जो मैंने पहले ही कहा। क्या कोई अंतर कला आपको उत्तराखंड में दिखाई पड़ा? क्या कोई अंतर कला आपको आसाम में दिखाई पड़ा? क्या कोई बयान आपको गुजरात में दिखाई पड़ा? तो या कहीं पर आपने कोई ग्रुपिंग देखी, कोई विधायकों का अलग अलग टोला देखा, या बयानबाजी ऐसी देखी? यहां तो 4 महीने पहले ही जो है लगातार बयान कर रहे थे जो आपके, खैर देखिए, अगर आज अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ होते, कांग्रेस के अंदर अगर आज कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो कहते उनकी पार्टी में लोकतंत्र है, आपकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। देखिए, ये तो समय समय पर लोकतंत्र की परिभाषा पार्टी के हिसाब से बदलती है। ये कैसा लोकतंत्र है, मुझे एक चीज समझाइए, पार्टी के अंदर कैसा लोकतंत्र इसको आप कहेंगे जी? कि जब कोई बयान करे तो कह दो कि साहब ये बयान इनका नहीं, ये पार्टी का बयान नहीं है। इनका राष्ट्रीय नेता चिदम्बरम जी भी बयान करते हैं तो, और इनको पार्टी को लगता है तो कह दे हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है साहब, कोई भी कुछ बोल सकता है, तो फिर किसका बात मानेंगे? उसकी उनके भी बयानों को इग्नोर कर दिया जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू जी, ये लोकतंत्र है कि शर्मा जी क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सिसा जी हमारे लिए बस कुछ ही वक्त के लिए, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ जी। विनीत भी जुड़े हुए, उनसे भी हम चर्चा नहीं कर पाए, बस 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। सिसा साहब, अभी जो स्थिति पंजाब में है उसके आधार पर ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत उहापोह की स्थिति होगी, और अकाली दल क्या किसी भी तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए अपने दरवाजे खोल सकेगा? क्योंकि ये जानना चाहेंगे लोग, बादल परिवार और अकाली दल के साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच के संबंध अच्छे रहे हैं, हमेशा रहे हैं, पारिवारिक संबंध हमेशा अच्छे रहे। देखिए, पारिवारिक संबंध अकाली दल के हों या किसी भी बाल साहब के, कभी भी किसी के साथ बुरे नहीं है, क्योंकि ये अपने मतभेद जो हैं वो राजसी मतभेद अपनी सोच को लेकर हैं, अपनी पार्टी की लाइन को लेकर हैं, पंजाब के मसलों को लेकर हैं, कोई निजी परिवार के नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह वही हैं जिन्होंने सरदार प्रकाश सिंह बादल को जेल में डाला था, सुखबीर सिंह बादल को जेल में डाला था, वही हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेकिन वो एक प्रकाश सिंह बादल साहब की अलग विषय रहा है कि वो कभी किसी के बारे में बुरा बोलते नहीं है, एक बात। दूसरी बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह के दरवाजे अकाली दल के लिए कभी भी नहीं खुल सकते, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4.5 साल तक जिस तरह से पंजाब का नुकसान किया, कर्जा माफी का नाम लेकर लोगों को छला, नौकरी का नाम, घर घर नौकरी के नाम पर छला, और उसके बाद अपने फार्म हाउस पे 4.5 साल तक आराम करते रहे, एक लथाज मुख्यमंत्री के रूप में वो साबित हुए हैं। इसलिए अकाली दल के अंदर ऐसे आदमियों के लिए, अकाली दल एक जोशीले लोगों की पार्टी है, पंजाब की सोच रखने वाली पार्टी है, तो कांग्रेस की गुलामी करने वाले लोग हैं, तो केंद्र की गुलामी में जीने वाले लोग हैं, ये कभी इंडिपेंडेंट होकर सोच नहीं रख सकते। अकाली दल एक खुली मानसिकता की पार्टी है जो खुद मुख्तियारी में भी यकीन रखती है, खुद मुख्तियारी, अपनी मुख्तियारी में, पंजाब के लोगों की मुख्तियारी में यकीन रखती है, कभी दिल्ली की सरकार में यकीन रखने वाली अकाली दल नहीं थी ना है, और पंजाब के लोग हमेशा खुद मख्तियारी में ही जिए हैं। पंजाब के लोग मरना पसंद करते हैं, किसी को गुलामी पसंद नहीं करते, इसलिए ऐसे लोगों की हमारे यहां पे कोई स्थान नहीं है जी। एक बार विनीत के पास भी चलते हैं अजय जी, जी। कांग्रेस पार्टी को यह लगा होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का काम जो है वो उनके लिए एक लायबिलिटी बन गया, तो चुनाव से पहले अब नेतृत्व बदलना चाहिए, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश थी। लेकिन अमरिंदर सिंह ने जिस तरीके से मीडिया के सामने कैमरों पर यह कहा कि मुझे अपमानित किया गया, बेइज्जत किया गया, तो ऐसा लगता है कि डैमेज कंट्रोल की जगह उल्टा और डैमेज हो गया है। विनीत, मुझे बताइए, आप प्रमुख विपक्षी दल हैं पंजाब के अंदर, कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा और जिन शब्दों के साथ उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, इसका क्या असर होगा? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये आज जो ये आज मतलब ये कैप्टन साहब आज इस्तीफा दे रहे हैं, जो कांग्रेस की जो हाई कमांड है वो जो आज इन पर एक्शन लेने की बात करी है, ये बात तो पूरे पंजाबी और हम आम आदमी पार्टी 4.5 साल से बोल रही है कि कैप्टन साहब काम नहीं कर रहे, और 4.5 साल इन्होंने पंजाब के वेस्ट किए हैं, जो इन्होंने वादे लोगों से पहले 2017 में इलेक्शन जीतने से पहले किए, और जीतने के बाद अभी जो थोड़े दिन पहले नवजोत सिद्धू जब प्रधान बने हैं कांग्रेस के, इन्होंने भी शायद 18 नुक्ते या 9 नुक्तों की जो बात की, इनमें से इन्होंने कोई डिलीवरी नहीं दी, और ये 4.5 साल जो आज की डेट में 40 MLA
या कुछ मंत्री जो कह रहे हैं भी कैप्टन साहब इस्तीफा दें, ये 4.5 साल ये क्यों मुंह में दही जमा के बैठे रहे? इन्होंने पंजाब के मुद्दे पर कभी एक कांग्रेस का, चाहे वो ग्राउंड का वर्कर हो चाहे ऊपर सेंट्रल लीडरशिप, ये बिल्कुल कभी गंभीर नहीं थी। अगर ये गंभीर होते तो जो लोगों का फीडबैक इनके पास जा रहा था ये 4.5 साल पहले भी एक्शन ले सकते थे। सिर्फ अभी इनकी ये चाल है, ये जानबूझकर, आप पिछली भी कांग्रेस की गवर्नमेंट को चेक कर लीजिए, चाहे वो बेंत सिंह के टाइम की गवर्नमेंट हो और इससे पहले जो कैप्टन साहब का 2002 का कार्यकाल हो, विनीत जी टाइम पर जान जाहिर सी बात है अपनी सरकार को बचाने की अगर कांग्रेस कोशिश कर रही है पंजाब में, तो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ इस पर कई बार हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आपने अपना मत को बहुत बेबाकी से सामने रखा, लेकिन आज जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा नेता ये कहता है कि मैं अपमान महसूस करता हूँ, बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूँ और अपने पूरे कैबिनेट का इस्तीफा दे देता है, तो इसका रिफ्लेक्शन तो पार्टी पर भी पड़ेगा। देखिए अजय जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी एक बहुत ही जिम्मेदार पद पे थे और जिम्मेदार नेता हैं, उनका एक ख़ास मकाम है आवाम के दिलों में भी। जब आदमी कभी सत्ता चलाता है, सरकार चलाता है, तो वो जो फैसले लेता है उस फैसलों का समर्थन भी होता है, उस फैसलों का विरोध भी होता है, ये एक अलग विषय है। जहाँ तक सवाल है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इस्तीफ़ा देते वक्त जो कहा है ये ज़रूर तकलीफदेह बात है। उन्होंने ये कहा है कि उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनको अपमानित किया जा रहा है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं, वो अभी भी कांग्रेस में है, उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दिया है। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी का घर का झगड़ा है। हाँ, ये बात जरूर है, उन्होंने कहा है कि उनके रास्ते खुले हुए हैं, या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, आचार्य जी उन्होंने कहा है कि रास्ते खुले हुए हैं, मैं अपने तमाम करीबियों से बात करूंगा, भविष्य की राजनीति को फिर तय करूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कांग्रेस में है और कांग्रेस में ही रहेंगे। क्या होगा अजय जी, अजय आचार्य जी, आपको आवाज आ रही है? शुरुआत उसी दिन हो गई। मेरी आवाज आपको मिल रही है जी? जी, आपकी आवाज लेकिन ब्रेक कर रही है प्रॉपर्टी जी, आवाज कट कट के आ रही है आपकी। बोलिए आचार्य जी, अभी भी मेरी आवाज कट कट आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई की शुरुआत तभी हो गई थी जब अमरिंदर सिंह जी की मर्जी के बिना, सहमति के बिना। आचार्य जी, आपको हम नहीं सुन पा रहे हैं, आपको सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी जो एक लाइन उन्होंने कही कि झगड़े की शुरुआत तब हो गई थी, आगे की बात क्लियर नहीं हुई, तो इस पर बात करें। झगड़े की शुरुआत हुई कब? लोग कहेंगे कि सिद्धू की वजह से कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई। नहीं, शायद हमें उसके और पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कहना कि सिद्धू को पार्टी में शामिल करना अपने आप में झगड़े की शुरुआत है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं थी कि जब चुनाव हुए थे पंजाब के पिछली बार, उस पूरे विधानसभा चुनाव का नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया था। दरअसल उस वक्त तो राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए भी पंजाब का रुख कर ही नहीं रहे थे, उनका ज्यादा फोकस दूसरे राज्यों पर था। और ऐसी परिस्थिति में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ, एक बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाते हैं और वहां पर पूरे रणनीति के साथ उससे अमलीजामा पहनाते हैं और सरकार को बखूबी चलाते हैं, और उसके साथ साथ हमें यह भी देखिए कि जब किसान आंदोलन शुरू होता है तो पंजाब से उसकी शुरुआत होती है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह उस आग से पंजाब को जलने नहीं देते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह उस आग से केंद्र की बीजेपी सरकार को उस आग के हवाले कर देते हैं। तो यह बहुत एक समझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह उन्होंने हमेशा काम किया, लेकिन शायद आला कमान में, और जिस यूथ ब्रिगेड की बात हम कर रहे थे अब से कुछ ही देर पहले सौरभ, यह यूथ ब्रिगेड को यह लगने लगा, खास करके बीते 4 सालों में, कि कांग्रेस में जो शीर्ष नेतृत्व पर कई जगह पर लोग बैठे हुए हैं, उन सब लोगों को एक समय सीमा के आधार पर उनके रिटायरमेंट की बात होनी चाहिए, नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। अजय जी, एक सीधा सीधा सवाल मेरा भी है, जो खामोशी है अभी सिसवा फार्म हाउस चले गए अमरिंदर सिंह, ये क्या तूफान के आने से पहले की खामोशी है? जाहिर सी बात है, ये इस पर हम लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जरा ये हम आपको ये खबर दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही एक बात सुनवाने जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पंजाब में कांग्रेस सीएम को अपना मानती ही नहीं, कैप्टन एक स्वतंत्र फौजी रहे हैं, ये बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक स्पेसिमेन ऐसी कांग्रेस थी, या कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री होते थे,
किसी जमाने में हम भी राज करते थे, आखिरकार वो स्पेसिमेन ही बचाने पड़ते हैं। तो मैंने कहा पूरी कांग्रेस के लिए आप ऐसे स्पेसिमेन बन जाएंगे कि आपको पूरी कांग्रेस कंधे में लेकर के नाचेगी। देखो हमारे पास एक मुख्यमंत्री है। मैंने कहा था कि हम नॉर्थ ईस्ट में समाप्त हो जाओगे, आप कर्नाटक में भी समाप्त हो जाओगे, और पंजाब तो न ये उनको अपना मानते हैं न वो इनको अपना मानते हैं। वो स्वतंत्र फौजी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में ये टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी जब 2018 में वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है राजनीति में सुगबुगाहट बहुत पहले से आ जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, अपने सिसवा फार्म हाउस में वो चले गए और इस वक्त कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है चंडीगढ़ में। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। केके शर्मा जी, मैं आपसे अब जानना चाहूंगा, आपने ये बात कही थी कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, वो किस संदर्भ में आपने ये बात कही थी? नहीं, ये जो बात अजय जी ने कही कि गुजरात की तर्ज पर इन्होंने किया तो पूरा वो बदल रहे हैं, तो मैंने कहा कि देखिए गुजरात का जो बदलाव है वो बिल्कुल अलग है, उसकी इससे कोई तुलना हो ही नहीं सकती पंकज जी। उसका एक कारण मैं स्पष्ट किया पहले ही आपको कि यहाँ पर जो अंतरकलह है ये अंतरकलह आज से नहीं 5-6 महीना से चल रहा है, बल्कि इसको आप 1.5 साल से भी कह सकते हैं, क्योंकि वही नवजोत सिंह सिद्धू है जो यहाँ मंत्री बने, फिर मंत्री बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर एकदम उसमें बैक में चले गए, फिर केंद्र ने उनको बुलाया, फिर उन्होंने ये सारी बातें, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी बातें नवजोत सिंह सिद्धू जी ने अपने इंटरव्यू में कहा है, और इंटरव्यू में एक और महत्वपूर्ण बात कही थी जिसको आज इस मैंने या इस चर्चा में मैं जिक्र करना चाहूंगा उसका। उन्होंने कहा कि जब मैं प्रशांत किशोर से मिला और मैंने ये सारी चीजें उनको बताई तो उन्होंने कहा कि ये बात आप केंद्रीय नेतृत्व से क्यों नहीं कहते, आप जाइए और कहिए। तो बोले मैं जाके उनसे कहा तो केंद्रीय नेतृत्व ने क्या कहा मुझसे, केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि जाओ लड़ो और हटा दो। अब मुझे आप एक चीज बताइए कि जब केंद्रीय नेतृत्व एक जो है विधायक को यह कहता है कि जाओ लड़ो और हटा दो, कहां कौन सी बातें होती हैं और कौन उसको कैसे इंटरप्रेट करता है, हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। शर्मा साहब, हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन सिरसा साहब ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं, क्या नवजोत सिंह सिद्धू अकाली दल के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं? तो सिरसा साहब, सवाल हमने ब्रेक से पहले आपसे पूछा था, नवजोत सिंह सिद्धू आपके लिए कितना बड़ा सरदर्द बन सकते हैं? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू हमारे लिए सरदर्द थे जब वो हमारे अलायंस पार्टनर के साथी थे, अब तो भैया वो जिनके घर पे उनके लिए सरदर्द बने हुए हैं। किसी पंडित से किसी ने हाथ दिखाया जी। तो पंडित उसको बोलता है भैया तुम्हें अपनों से खतरा है, तो सामने वाला बोलता है भैया मुझे अपनों से ही खतरा होगा, प्रायों से क्यों होगा, प्रायों के भी तो अपने, उनको उनसे खतरा होगा। तो नवजोत सिंह सिद्धू जिनके घर में आजकल उनको खतरा, हमने तो कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू एक अनगाइडेड मिसाइल है, सरदार सुबीर सिंह बादल साहब ने कहा था। हाँ। और आज आपके सामने है। लेकिन आप अजय जी एक बात को जरूर भूलना ना जी, क्या हुआ है कांग्रेस में आज? पंजाब का नुकसान हुआ है, जो 4.5 साल के वादे थे कांग्रेस के वो कहां गए? मुफ्त जो बिजली देने की बात थी, कर्जा माफी की बात थी, घर घर नौकरी की बात थी, क्या हुआ? देखिए, जो कांग्रेस ने वादे किए वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को पेश करके किए, और उन्होंने एक नया मोरा तैयार किया, जैसे अभी मेरे से पहले प्रवक्ता बोल रहे थे, एक मोरा तैयार किया कि तेरा ये काम है कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को तू उतार दे, अब जिसको सीएम बनाएंगे वो नवजोत सिंह सिद्धू के गले हो जाएगा। नुकसान किसका हो रहा है? पंजाब का। अब देखिए ना, चेहरे बदलने से पंजाब तो नहीं बदलने वाला। सिरसा साहब जो बात कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही है, क्योंकि अभी हम सुन रहे थे अमरिंदर सिंह ने ये भी कहा है कि मैंने तो पहले ही बहुत पहले अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी और ये भी कह दिया था कि सिद्धू अगर दाएं जा रहे हैं और मैं बाएं जा रहा हूं तो पार्टी टूट जाएगी, सरकार गिर जाएगी, इसलिए मुझे मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए। लेकिन तब मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया और आज मुझे अपमानित जब किया गया तो मैंने खुद इस्तीफा दिया। आगे क्या होता है देखना होगा। लेकिन केके शर्मा साहब, सिरसा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और मेहमान हमारे साथ बस चंद मिनटों में जुड़ने जा रहे हैं। मैं आपके साथ हूं, अजय जी हमारे साथ हैं, पंकज हमारे साथ बने रहेंगे और कुरुक्षेत्र में लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।